संकल्प है। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन करेंगे। करीब 1600 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 43 एकड़ का यह परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। प्रधानमंत्री बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। आइए लेते हैं जानकारी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाहर बोइंग के सबसे बड़े बोइंग इंडिया के अत्याधुनिक एयरोस्पेस इंजीनियरिंग फैसिलिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। ये कैंपस 43 एकड़ में फैला है और 1600 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। बोइंग इंडिया का यह निवेश वैश्विक एयरोस्पेस रक्षा उद्योग को मजबूती देने में मददगार साबित होगा। यहाँ पर हमने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया है। ये लगभग 43 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है और ये फेज वन है। यहाँ पर हम लैब्स बना रहे हैं। पीएम मोदी बोइंग सुकन्या प्रोग्राम का भी उद्घाटन करेंगे। बोइंग सुकन्या आधी आबादी के लिए विमानन के क्षेत्र में अवसर देगा। बालिकाओं की आकांक्षाओं को नई उड़ान तक ले जाएगा। ये लड़कियां विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में कौशल सीख पाएंगी और अपनी मंजिल की जुस्तजू में अपना कारमा बढ़ाएंगी। ये भी एक ऑप्शन है, जैसे आप अपनी पढ़ाई में अपने करियर के बारे में आगे सोचने लगते हो तो एविएशन और एरोस्पेस में जो अब नई अपॉर्चुनिटीज भारत में होंगी या भारत से निकलेंगी उसमें इनकी भागीदारी और इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोइंग इंडिया का भारत के साथ 80 साल पुराना दोस्ताना है। ये दोस्ताना रक्षा से लेकर उड्डयन क्षेत्र और व्यापार को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाया है। खासकर बोइंग इंडिया की इस पहल ने न केवल नागरिक उड्डयन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है बल्कि एक संदेश भी दिया है कि बात अगर उड्डयन क्षेत्र की होगी तो पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। बोइंग इंडिया की इस पहल से भारत का रक्षा क्षेत्र और विमानन क्षेत्र को मजबूती मिलेगा और बोइंग सुकन्या न केवल महिलाओं के लिए अवसर का द्वार खोलेगी बल्कि महिलाओं की मंजिल को अनंत उड़ान तक ले जाएगी। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। तो प्रधानमंत्री आज इस BITC परिसर का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत भी होगी। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुख कर लेते हैं हमारी संवाददाता आयशा खानम, बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा, जानना चाहेंगे आपसे कितना महत्वपूर्ण है आज का जो परिसर का जो उद्घाटन होगा, क्योंकि ना सिर्फ हमने देखा है बोइंग के साथ जो रिश्ते हैं भारत के करीब 80 साल पुराने रहे हैं और उसी कड़ी में एक और अब कड़ी जुड़ने जा रही है जो कि कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाएगी, विकसित राष्ट्र की तरफ आगे अग्रसर। जी हाँ बिल्कुल, देखिए बोइंग की 80 साल पुरानी साझेदारी है भारत के साथ इन्वेस्टमेंट को लेकर और एरोस्पेस क्षेत्र में बोइंग अब भारत को एक इमर्जिंग सुपर पावर की तरह देखता है और बोइंग का यह मानना है कि अगले 2041 तक भारत में डोमेस्टिक विमानों की इतनी मांग बढ़ जाएगी कि बोइंग इसके लिए तैयार रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एविएशन क्षेत्र में जो पॉलिसीज लाए हैं, जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, उड़ान स्कीम की बात करते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है इन्वेस्टमेंट क्षेत्र की और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक समुंदर बन जाते हैं, एक ओशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे में बोइंग इस जो नई फैसिलिटी है इसके जरिए इसको एक एवियोनिक्स हब बनाएगा और यहां से बोइंग अपनी ही टेक्नोलॉजी में और सुधार लाएगा और बोइंग ये कोशिश करेगा कि अपना जो निवेश है इस समय जो सप्लाई चेन भारत में वो 8000 करोड़ है और बोइंग इसको 10000 करोड़ तक ले जाना चाहता है। तो ऐसे में ये जो कैंपस है न केवल बोइंग बल्कि बोइंग और भारत के साथ जो यूएस इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको भी एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाएगा। जी बिल्कुल आयशा, और आपके पीछे हमने देखा जो छात्राएं हैं वो मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पे बोइंग सुकन्या कार्यक्रम जो है उसकी भी आज प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे और कहीं ना कहीं एक नई उड़ान यहाँ भी अब हमें नजर आएगी। जी हाँ, ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है बोइंग की तरफ से और यहाँ पर ये जो स्कूली छात्र हैं प्रधानमंत्री के साथ उनका इंट्रैक्शन होगा और बोइंग अपनी तरफ से जो CSR एक्टिविटी है उसके तहत सुकन्या प्रोग्राम के जरिए वो इन लड़कियों को, इन छात्राओं को एविएशन क्षेत्र और एरोस्पेस क्षेत्र में दिलचस्पी बढ़ाने, उन्हें मोटिवेट करने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप्स देगी और उन्हें स्टेम लैब्स के तहत जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के लैब्स हैं उसके तहत
अपनी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस सेंटर जो बोइंग के हैं वहाँ उन्हें आने का मौका देगी। तो इनमें से कई लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि पायलट्स बने और इनके सपने हैं ऊंची उड़ान भरने की, तो ये तमाम सपने इस सुकन्या प्रोग्राम के तहत पूरे हो सकते हैं। तो जाहिर है बोइंग इंडिया अपनी CSR विंग के तहत इन युवा लड़कियों को एक उड़ान भरने के लिए पंख लगा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कहे हैं, महिला केंद्रित विकास की बात करते रहे, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना के तहत इन लड़कियों को, इन युवा छात्राओं को प्रेरित करेंगे। जी, और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की जो उड़ान है वो हम इसको मान सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्टेम का आपने जिक्र किया, करीब 150 लैब हैं जो कि स्थापित की जाएंगी, और कितना फ़ायदा इसके ज़रिए मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में अभी भी हम देखते हैं जो छात्राएं हैं उनको उतनी शिक्षा नहीं मिल पाती, और जब हम ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं, एरोस्पेस की बात की जाए, एविएशन सेक्टर की बात की जाए, तो यहाँ पहुँचना वाकई में सपना है और वो अब सपना साकार होने जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले 10 सालों में जिस तरह से लड़कियों की शिक्षा क्षेत्र में बदलाव आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके बाद काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है, जो खासकर लड़कियों की शिक्षा को लेकर। और ऐसे में स्टेम एक ऐसा मीडियम बनता जा रहा है जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के माध्यम के तहत इन लड़कियों को एम्पावर करने की पूरी एक विजन बनाया गया है। तो ऐसे में स्टेम लैब्स के जरिए ये युवा छात्राएं आगे जो विजन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है विमेन लेड डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, इन तमाम विजन को एक आकार देंगी, और यही न्यू इंडिया की एक नींव है। ये छात्राएं आगे चलकर न्यू इंडिया की नींव रखेंगी, और ये छात्राएं जो है अपने सपने, जैसा कि मैंने बताया, इनमें से कई छात्राएं पायलट बनना चाहती हैं, एरोस्पेस एक्सपर्ट्स बनना चाहती हैं, और ये जो केंद्र है खासकर यहाँ बैंगलोर जो एक आईटी सिटी है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर इस क्षेत्र का, ये फैसिलिटी का खुलना इन तमाम छात्राओं के लिए एक बेहतरीन सुनहरा मौका है। जी बिल्कुल, और खासतौर से बोइंग के द्वारा हम देख सकते हैं अमेरिका के बाहर पहली बार इतना ज़्यादा निवेश और इतना बड़ा जो परिसर है वो लिया गया है। इसके तहत अगर रोज़गार की बात की जाए, कितने नए रोज़गार के जो अवसर हैं उनका सृजन होता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, बोइंग का ये सबसे बड़ा फैसिलिटी है US के बाहर, हालांकि भारत में इनकी दूसरी और फैसिलिटीज़ भी हैं, लेकिन ये फैसिलिटी जो है इनोवेशंस और रिसर्च के आधार पर यहाँ पर शुरू हो रही है, और इसके तहत यहाँ पर काम करने वाले इंजीनियर्स और एवियोनिक्स क्षेत्र में काम करने वाले जो इंजीनियर्स होंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा। और ख़ास बात ये रहेगी कि भारत में जो आईटी क्षेत्र में काम करने वाले, एवियोनिक क्षेत्र में काम करने वाले इंजीनियर्स हैं उनके लिए यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज का मौका मिलेगा। तो बोइंग का ये मानना है कि बोइंग की जो अब 5000 से ज़्यादा की संख्या है एम्प्लॉयज की, वो अब आगे बढ़ेगी, और इस क्षेत्र में खासकर 3000 से ज़्यादा जो नए एम्प्लॉयज होंगे उन्हें ऐड किए जाएंगे। तो बैंगलोर एक ऐसा शहर है जहाँ पर एक इकोसिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, और इस इकोसिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तरफ IIC है, दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली है, और ये तमाम चीजें रिसर्च और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिलाकर एरोस्पेस की ओर आने वाले तमाम जो युवा होंगे उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है, और एक केंद्र, एक हब बनकर ये जो सेंटर है आगे चलकर एविएशन क्षेत्र में भारत को ही नहीं बल्कि भारत के साथ US और भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको एक नया अध्याय जोड़ेगा। बिल्कुल, एक नया मुकाम जो है इस साझेदारी को, इन रिश्तों को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल आयशा बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से बोइंग के इस BETC अगर परिसर की बात की जाए